उधम सिंह नगर जिले में भी तेज आंधी तूफान ने जमकर अपना कहर बरपाया। तेज आंधी के कारण दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी बेटी को किच्छा के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। रविवार दोपहर आई तेज आंधी में बंडिया भट्टा निवासी निंदर कौर की मौत हो गई। निंदर अपनी छत पर सूख रहे कपड़े उतारने गई थी। निंदर के छत पर पहुंचते ही उसकी बेटी लवजीत कौर भी छत पर पहुंच गई। अभी निंदर छत पर कपड़े उतार ही रही थी कि उसके पड़ोस के दो मंजिला भवन की दीवार भरभरा कर गिर गई। उसकी चपेट में आकर माँ और बेटी दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां निंदर कौर को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि लवजीत की हालत गंभीर देखते हुए उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि निंदर की बेटी लवजीत की शादी काशीपुरा में हुई है और वो अपनी माँ के यहाँ आई हुई थी, लेकिन अचानक हुई इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। उधम सिंह नगर से हमारे संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। कैसे हुई है? आंधी आ रही थी, जो छत पर कपड़े उतारने गई थी, कपड़े उतारते वक्त अचानक ऊपर पड़ोस वाली दीवार जो है इनके ऊपर गिर गई, माँ बेटी के ऊपर। उसमें ये दोनों मलबे में दब गई। मुझे पता लगा था, मैं ऊपर गया छत पे, आवाज़ आई तो ये दबी हुई थी। मैंने इन्हें अपने हाथों से निकाला है और मेरे पड़ोस में मेरे बेटे को आवाज़ लगाई और साथ में मेरे पड़ोसी हैं मंगल सिंह, उनको आवाज़ लगाई। वो आए, मैं मेरे बेटे ने हमने तीनों ने उठा के इनको छत से नीचे लाए और ला के सरकारी अस्पताल में। हमारे पड़ोस में ना एक दीवार गिर गई तो चीख पुकार हो रही थी। हम मौके पे गए तो मलबे के नीचे दबे पड़े थे। इनको हमने उठा के, हमने मलबा उठा के हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।